गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आपने तृतीय पाठ वीरह वीरेण पूज्यते, वीरह वीरेण पूज्यते, इसको आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक, तो आज हम चतुर्थ पाठ चौथा पाठ क्या करेंगे, पढ़ेंगे, मतलब प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्धो ग्रामीणः, प्रबुद्धो मीन्स क्या होता है, बुद्धिमान, और ग्रामीणः मीन्स ग्रामीण, मतलब बुद्धिमान ग्रामीण, इसे हमें पढ़ना है। ठीक, तो देखिए, एकदा बहवा जनाः धूमयानम् आरूढ़ नगरम प्रति गच्छन्ति इस्म, तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकाः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वत् अशिक्षिताः अज्ञानस्य सन्ति, न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, भद्र नागरिक भवान् एव किश्चित् किञ्चित् ब्रवीतु, यतो हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति। इदम् आकर्ण्य सा नागरिकः सदर्पं ग्रीवाम् उन्मय अकथयत्, कथिष्यामि परं पूर्वं समयः विधातव्यः। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा सा चतुरा ग्रामीण अकथयत्, भोः वयम् अशिक्षिताः भवान् च अशिक्षितः, वयम् अल्पज्ञा भवान् च बहुज्ञः, इत्यमेव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, वयम् परस्परं प्रहेलिका प्रक्ष्यामः, यदि भवान् उत्तरं दातुं समर्था न भविष्यति तदा भवान् 10 रूप्यकाणि दास्यति, यदि वयम् उत्तरं दातुं समर्था न भविष्यामः तदा 10 रूप्यकाणां अर्धं 5 रूप्यकाणां दास्यामः। अब देखिए, यहाँ पर आपको संदर्भ तो पता ही है, संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत परिचायिका के प्रबुद्धो ग्रामीणः नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, तो अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। एकदा, एकदा मीन्स होता है एक बार, एकदा मीन्स एक बार। बहवा, बहुत से जनाः लोग क्या कर रहे थे, धूमयानम, धूमयानम मीन्स क्या होता है, रेलगाड़ी में, आरूढ़, आरूढ़ मीन्स क्या होता है, चढ़कर, नगरम नगर प्रति की ओर गच्छन्ति इसमें जा रहे थे। ठीक, एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर गांव नगर की ओर जा रहे थे, तेसुम केचित ग्रामीणाः केचित नागरिकाः आसन। ठीक, कह रहे कि तेसु उनमें, केचित कुछ, ग्रामीणाः ग्रामीण, केचित नागरिकाः और कुछ नागरिक आसन थे। ठीक, कह रहे कि उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ नागरिक थे, मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकाः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। ठीक, कह रहे कि मौनम चुपचाप स्थितेषु बैठे हुए, तेषु उनमें एकः नागरिकः, एक नागरिक ने, ग्रामीणान ग्रामीणों का उपहसन उपहास करते हुए अकथयत कहा। देखिए, यहाँ नागरिका कहने का मतलब नागरिक से नहीं है, नागरिका मतलब होगा क्या कि जो नगर का रहने वाला है, मतलब शहरी व्यक्ति, मतलब शहर का रहने वाला, तो उसके लिए यहाँ पर नागरिक शब्द आया है। ठीक, आप यहाँ पर सिटीजन मतलब नागरिक उससे नहीं अर्थ समझिएगा। ठीक, यहाँ नागरिक आया है किसके लिए, जो शहर का नगर का रहने वाला व्यक्ति है उसके लिए, जैसे गांव का रहने वाला ग्रामीण, तो नगर का रहने वाला नागरिक। ठीक, इस भाव में आप समझिएगा। तो चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणान उपहसन, ग्रामीणों का उपहास करते हुए अकथयत कहा। ठीक, चुप, कह रहे कि चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीण का उपहास करते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यापि पूर्वत अशिक्षिताः, कहने कि ग्रामीणाः गांव के लोग या ग्रामीण क्या है, अद्यापि आज भी, पूर्वत
पहले की तरह अशिक्षिता क्या हैं, अशिक्षित अज्ञानश्च और अज्ञानी संति हैं। ठीक, उसने क्या कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित और अज्ञानी हैं। ना तेषां विकासः अभवत्, करें कि ना तेषां विकासः अभवत्, ना उनका विकास हुआ है, ना चा भवतुम शक्नोति, और ना ही हो सकता है। ठीक, करें कि ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। तस्य तादृशम जल्पनम श्रुत्वा, ठीक, तस्य उसके तादृशम इस प्रकार के जल्पनम, जल्पनम मीन्स क्या होता है, वचन, बात। ठीक, कह रहे कि उसके इस प्रकार के वचन को श्रुत्वा सुनकर को अपि चतुरह ग्रामीण अब्रवीत, कोई चतुर ग्रामीण बोला। ठीक, कह रहे कि उसके इस प्रकार के वचन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला। भद्र, भद्र मीन्स भाई, नागरिका नागरिक, कह रहे कि भाई नागरिक, भवान एव आप ही किंचित कुछ ब्रवीत बोलो, यतो ही क्योंकि भवान शिक्षिता, क्योंकि आप ही शिक्षित हैं, बहुज्ञः, ठीक, च अस्ति और बहुत ज्ञानी हैं। ठीक, कह रहा है कि आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप ही बहुत सॉरी आप ही कुछ बोलो क्योंकि भवान आप ही शिक्षित हैं और बहुत ज्ञानी हैं। ठीक, तो इदम आकर्ण, यह सुनकर सा नागरिका, उस नागरिक ने सदर्पम, सदर्पम मतलब होता है घमंड से, क्या किया, ग्रीवाम, गर्दन को उन्मय उठाकर अकथयत कहा, यानी कि यह सुनकर उस नागरिक ने घमंड के साथ गर्दन उठाकर कहा, क्या कहा, कथयिष्यामि, कहूंगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, विधातव्य मीन्स होता है तय करना, विधातव्य मीन्स क्या होता है, तय करना, और समय मीन्स होता है शर्त। ठीक, कह रहे कि परंतु परम पूर्वम, परंतु पहले शर्त तय करनी होगी। ठीक, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, पहले परंतु पहले शर्त तय करनी होगी। तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा, उसकी इस बात को श्रुत्वा सुनकर स चतुरह ग्रामीण अकथयत, उस चतुर ग्रामीण ने कहा, उसकी इस बात को सुनकर उस ग्रामीण ने कहा, भो भाई, मतलब हे भाई, वयम अशिक्षिता, हम लोग अशिक्षित हैं, भवान चा शिक्षिता, और आप शिक्षित हैं। ठीक, क्या कहा कि हम लोग अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञः, हम थोड़ा जानने वाले हैं, भवान चा बहुज्ञः, और आप बहुत ज्यादा जानने वाले हैं। इत्यमेव, यही विज्ञाय सोचकर अस्माभि, हमें समयः कर्तव्यः, क्या करना चाहिए, शर्त तय करनी चाहिए। ठीक, कह रहे कि यही सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए, क्या सोचकर, कि हम लोग अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम लोग कम जानने वाले हैं और आप बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, तो यही सोचकर हमें शर्त तय करनी चाहिए। तो वयम परस्परम प्रहेलिका प्रक्षामः, प्रक्षामः मतलब होता है पूछेंगे। ठीक, तो कह रहे कि वयम, हम लोग परस्परम आपस में, प्रहेलिकाम प्रक्षामः, पहेलियाँ पूछेंगे। ठीक, कह रहे कि हम आपस में पहेलियाँ पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यति, यदि भवान आप उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्था न भविष्यति, समर्थ नहीं होंगे। ठीक, कह रहे कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब भवान 10 रुपक्याणि दास्यति, तब क्या होगा, तब भवान आप 10 रुपक्याणि 10 रुपये दास्यति देंगे। ठीक, कह रहे कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तब आप 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम समर्था न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा तब 10 रुपक्याणाम 10 रुपये का अर्धम आधा
₹10 का आधा पंच रूपक्याणी 5 रुपया दास्यामी देंगे। ठीक, क्या शर्त निर्धारित हुई उसने, क्या चतुर ग्रामीण ने क्या कहा कि यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब आप ₹10 देंगे, यदि हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे तब ₹10 का आधा 5 रुपया देंगे। तो आम स्वीकृता समया इति कथिते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणा नागरिकम् अवदत् प्रथम भवान एव पृच्छतु नागरिकश्च तम ग्रामीणम् अकथयत् त्वमेव प्रथम पृच्छ इति इदं श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत् युक्तम् अहमेव प्रथम पृच्छामि अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुका स्फुट वक्ता च यो जानाति सा पंडितः अस्या उत्तरं ब्रवीतु भवान। ठीक, अब क्या कहा, आम हाँ स्वीकृतम स्वीकृतः समया शर्त स्वीकार है। ठीक, इसने कौन कहा, उस नागरिक ने कहा, उस नागरिक ने कहा हाँ शर्त स्वीकार है। इत कथिते इतना कहने पर तस्मिन उस नागरिक के स ग्रामीणः उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा। ठीक, करें कि हाँ शर्त स्वीकार है, तो इतना कहने पर उस नागरिक के मतलब इस नागरिक के इतना कहने पर उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा प्रथमम भवान एव पृच्छतु, कहने कि पहले आप ही पूछें। नागरिकस्य तं ग्रामीणम् अकथयत्, नागरिक ने उस ग्रामीण से कहा त्वमेव प्रथम पृच्छ, कहने कि तुम ही पहले पूछो। ठीक, तो इदं श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत्, यह सुनकर उस ग्रामीण ने कहा युक्तम ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि मैं ही पहले पूछता हूँ। ठीक, कहा कि मैं ही पहले पूछता हूँ। अब क्या पूछा, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखः स्फुट वक्ता चायो जानाति सा पंडितः। ठीक, कह रहे कि अपदो दूरगामी मतलब उसके पैर नहीं हैं, कहने का मतलब बिना पैरों के दूर तक चला जाता है, कह रहे कि बिना पैरों के दूर तक चला जाता है, और क्या है साक्षरों और अक्षरों सहित है, नाचा पंडितः किंतु पंडित नहीं है, मतलब विद्वान या ज्ञानी नहीं है। ठीक, कह रहे कि उसके पैर नहीं है, अपदो मतलब बिना पैर का है। ठीक, मतलब उसके पैर नहीं है, अदूरगामी दूर तक चला जाता है, चा साक्षरो और क्या है अक्षरों सहित है, ना चा पंडितः किंतु पंडित नहीं है, अमुखा मतलब उसके मुख नहीं है, स्फुट वक्ता किंतु साफ साफ बोलता है, कह रहे कि उसके मुख भी नहीं है और साफ साफ बोलता है, यो जानाति सा पंडिता जो इसे जानता है वही पंडित है, जो इसे जानता है वही पंडित है। ये ग्रामीण ने क्या किया, पहेली पूछा, क्या पूछा कि उसके पैर नहीं है किंतु दूर तक चला जाता है, अक्षरों सहित है किंतु पंडित नहीं है, उसके मुख नहीं है किंतु साफ साफ बोलता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, कह रहे हैं कि आप इसका उत्तर बताइए। ठीक, तो अब क्या है आगे, नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत परम प्रहेलिकाया उत्तरम दातुं समर्था न अभवत् अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत् यदि भवान उत्तरं न जानाति तर्हि ददातु 10 रूपक्याणि अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूपक्याणि दत्तानि। ठीक, अब देखिए नागरिकः बहुकालम यावत अचिंतयत, यावत मतलब होता है तक। ठीक, कह रहे हैं कि नागरिक ने बहुकालम बहुत देर तक क्या किया, अचिंतयत सोचा, कह रहे हैं कि नागरिक ने बहुत देर तक सोचा परम परंतु प्रहेलिका या पहेली का उत्तरम दातुम उत्तर देने में समर्थ न अभवत, समर्थ नहीं हुआ। ठीक, कह रहे हैं कि नागरिक ने बहुत देर तक सोचा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ, अतः ग्रामीणम अवदत इसलिए ग्रामीण से बोला
अहम अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। अहम मैं अस्याः इस प्रहेलिकायाः पहेली का उत्तरं न जानामि, उत्तर नहीं जानता हूँ। ठीक, क्या कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदं श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही ददातु, ददातु मतलब होता है दो, तब दो, दस रुपक्याणि, दस रुपये। तो उसने कहा कि तब दस रुपये दो। अतः म्लान मुखेन, इसलिए म्लान मुखेन मतलब मुरझाए मुख से नागरिकेण, नागरिक ने समयानुसारम शर्त के अनुसार दस रुपक्याणि दत्तानि, दस रुपये दे दिए। ठीक, कह रहे कि इसलिए मुरझाए मुख से मुख वाले ग्रामीण ने शर्त के अनुसार दस रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणो ब्रवी अब्रवीत, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकां, दंडदानेन खिन्ना नागरिका बहुकालं विचार्य न कांचित प्रहेलिकां अस्मरत, अतः अधिकं लज्जमानः अब्रवीत, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि। तदा सा ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरम् अवदत्, पत्रम् इति यतो हि इदं पदेन वीनापि दूरं याति, अक्षरः युक्तमपि न पण्डितः भवति, एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगतः, स विहसन् रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्वं तूष्णीन अतिष्ठत्, सर्वे यात्रिणः वाचालं तं नागरिकं दृष्ट्वा आसन्, तदा स नागरिकः अनुभवत् यत् ज्ञानं सर्वत्र संभवति। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति। पुनः ग्रामीणो ब्रवीत्, फिर ग्रामीण ने कहा इदानीं अब भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, अब आप पहेली पूछिए। तो दंड दानेन खिन्ना, दंड देने से दुखी नागरिका, नागरिक को बहुकालम बहुत समय तक या बहुत देर तक विचार करने से ना नहीं कांचित प्रहेलिका कोई भी पहेली अस्मरत याद आई। कह रहे कि दंड देने से दुखी नागरिक को बहुत समय तक विचार करने पर भी कोई पहेली याद नहीं आई। अतः इसलिए अधिकम लज्जमानम ब्रवीत, इसलिए अधिक लज्जित होते हुए कहा, स्वकीयायाः प्रहेलिकायाः त्वमेव उत्तरं ब्रूहि। कह रहे कि स्वकीयायाः तुम्हीं क्या करो, त्वमेव तुम्ही स्वकीयायाः अपनी प्रहेलिकायाः पहेली का उत्तरं ब्रूहि, उत्तर बताओ। ठीक, कहा कि तुम्ही अपनी पहेली का उत्तर बताओ। तदा तब स ग्रामीणः, उस ग्रामीण ने विहस्य हंसकर स्वप्रहेलिकायाः सम्यक् उत्तरं अवदत्। तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का क्या किया, सम्यक सही उत्तरम अवदत, उत्तर बताया। कह रहे कि तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही उत्तर बताया, पत्रम पत्र, सही उत्तर क्या था, पत्र। कह रहे कि यतो ही इदम पदेन विनापि दूरम यात, यानी कि यही पदेन विनापि बिना पैरों के दूरम याति, दूर तक जाता है, यही बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षरः युक्तमपि अक्षरों से युक्त है, न पंडिता भवति और पंडित नहीं होता है। ठीक, क्या कहा कि यही बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त होता है और पंडित नहीं होता है। एतस्मिन्नेव काले, इसी समय तस्य ग्रामीणस्य, उस ग्रामीण का ग्रामः आगतः, गांव आ गया। ठीक, कह रहे कि इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया, सविहसन वह हंसता हुआ रेलयानात् रेलगाड़ी से अवतीर्यम उतरकर स्वग्रामं प्रति अचलत, अपने गांव की ओर चला गया। ठीक, कह रहे कि वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर
अपने गांव की ओर चला गया। तो नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्वम तूषणीत अतिष्ठत। नागरिका लज्जिता, नागरिक शर्मिंदा होकर, भूत्वा होकर, नागरिक शर्मिंदा होकर पूर्वत पहले की तरह तूषणीम, तूषणीम मतलब होता है चुपचाप, ठीक, कह रहे हैं कि पहले की तरह चुपचाप अतिष्ठत बैठ गया। ठीक, कह रहे हैं कि नागरिक शर्मिंदा होकर पहले की तरह चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा अहसन। सभी यात्रिणः, यात्री, वाचालं बकवास करने वाले, तम उस नागरिकम, नागरिक को दृष्ट्वा देखकर अहसन हंसने लगे। बकवास करना, यहाँ वाचाल मतलब क्या होता है, बहुत अधिक बोलने वाला, तो बकवासी होता है। ठीक, तो सेंटेंस बनाने के लिए उसको यूज कर सकते हैं आप लोग। तो सर्वे यात्रिणा, सभी यात्री, वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा अहसन, कह रहे कि बकवास करने वाले उस नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिकः अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभवत अनुभव किया कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सब जगह संभव है। ठीक, तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति, यानी कि नागरिकाः, सॉरी ग्रामीणाः, गांव वाले अपि भी कदाचित कभी कभी, यानी कि गांव वाले भी कभी कभी नागरिकेभ्यः नागरिकों से अधिक क्या होते हैं, प्रबुद्धतराः, प्रबुद्धतराः मतलब बुद्धिमान भवन्ति होते हैं, यानी कि गांव वाले भी कभी कभी नागरिकों से अधिक क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आपका चतुर्था पाठ कंप्लीट हुआ। ठीक, और आप इसका हिंदी अर्थ जरूर लिखेंगे अपनी कॉपी में, और अगले वीडियो में हम आपसे पंचमा पाठ में मिलेंगे, और आप लोग चतुर्था पाठ तक अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि जितने बच्चों का हिंदी काव्य कंप्लीट हो गया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करके बताएं कि सर हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक, और आप लोग संस्कृत का भी अच्छे से कंप्लीट करें, और हो सकता है कि एक दो वीडियो के बाद आपको काव्य का जीवन परिचय भी उपलब्ध हो जाए। ठीक, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में पंचमा पाठा से।